रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर की। ट्रायंगल चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके हम बात कर रहे हैं। आपके अधिकतर एग्जाम में आने वाले 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन का ट्रायंगल में पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर दे रखा है एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है किसको, एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है किसको, ए बी और ए सी लाइन को, किसके ऊपर, डी और ई पॉइंट के ऊपर। ठीक है, डी और ई पॉइंट के ऊपर कर रही है और ये जो डी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। तो हमको ये बताना है कि ए डी अपन डी बी और ए ई अपन ए सी जो है वो सेम रेशियो में होगी। ये आपने बीपीटी पढ़ी होगी, थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग होती है। तो देखिए इसके सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए तो करने का तरीका क्या हो सकता है, तो पहली चीज हमारे पास दे रखी है कि डी किसके पैरेलल है, जो डी है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, गिवन है, दे रखा है आपके पास है, ये हो गया गिवन। यदि ये चीज आपके पास गिवन है तो हम थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जानते हैं बाय बीपीटी क्या है, बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं हम लोग कि कोई भी ट्रायंगल जो होती है उसकी एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड होती है तो वो आके जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, होगा कि नहीं होगा। यदि ये चीज आप जानते हैं तो आप क्या करें, यदि मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए। अब मैंने यहां भी +1 कर दिया और यहां भी +1 कर दिया, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा उसमें डिस्क्रिप्शन देने की रिक्वायर्ड नहीं होगी। जब ऐसे करेंगे तो अगली स्टेप्स हो जाएगी डी बी प्लस ए डी और नीचे कौन हो गया, ए डी, इसी तरह से ई सी प्लस ए ई अपॉन में कौन आ गया, ए ई। हमको लाना क्या है, ए डी अपॉन ए बी। तो यहां देखो ए डी अपॉन ए बी आएगा क्या, अपन ने डी बी लिखा ना ऊपर डी बी, तो नीचे ये आएगा आपका डी बी, सॉरी क्या आएगा, डी बी आएगा क्या, डी बी अपॉन ए डी और ई सी अपॉन ए ई, दोनों में अपन ने क्या करा, +1 +1 किया, तो ये डी बी प्लस क्या हो जाएगा, ए डी और नीचे कौन आ गया, ए डी। अब बताइए डी बी प्लस ए डी कुछ होगा क्या, डी बी प्लस ए डी कुछ हो सकता है क्या, डी बी प्लस ए डी, अच्छा ये वाली चीज तो आपकी एसी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, ये तो हो गया ना, ए डी प्लस डी बी लिखना चाहिए आपने को, तो वही तो लिखा अपन ने, अरे यहाँ ये हो गया ए बी। तो ये देखो मतलब ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी, ये दोनों मिला के, ये आधा टुकड़ा और आधा है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी और यहाँ कौन हो जाएगा, ए सी अपॉन ए। क्या यही लाना था क्या हमको, हमको जो लाना था वो लाना तो वही था लेकिन इसका उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे ही हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी आपकी ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी। ये आपका 2 मार्क्स में आने वाला है क्वेश्चन से। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और है जो कितने मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आएगा। तो 2 मार्क्स में आने वाला जो क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे। इसके अंदर दे रखा एक फिगर है, अब ये फिगर क्या बना हुआ है आपके क्वेश्चन में देखेंगे तो देखो बना हुआ है इस तरह से, एक ट्राइंगल बना हुआ है, वहां बनाएंगे दिखेगा ही नहीं आपको, यहां बना देते। ओके, इसके अंदर क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस आर और यहां पे दे रखा एस और यहां पे दे रखा टी, पी क्यू आर एस टी। अब पी क्यू आर एस टी
दे रखा है और साथ में दे रखा है कि एंगल एस जो है वो किसके इक्वल है, देखिए एंगल एस जो है एंगल आर के बराबर है। अब आपको ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल है कौन सा, पी क्यू आर, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या कंडीशन होती है, दो साइड्स क्या होती है इसकी इक्वल होती है, ये आप जानते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, जब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं तो देखो गिवन क्या गिवन है, अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, क्या कह रहा है, पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर, इट इज अ कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी, कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी, थ्योरम ऑफ बीपीटी। अब बीपीटी के थ्रू क्या हो जाएगा, यदि किसी भी ट्राइंगल की साइड का रेशियो सेम होता है तो वो लाइन जो होती है क्या होती है, पैरेलल होती है, यू नो। तो क्या हो जाएगा, सो एस टी किसके पैरेलल हो जाएगी, क्यू आर के पैरेलल। यदि एस टी क्यू आर की पैरेलल हो गई, आप साथ में एक चीज और दे रखी है, कहीं ना कहीं करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है पे एस और क्यू, कौन सा पी एस टी, कौन सा पी एस टी और पी क्यू आर, दोनों ही कौन से एंगल है, एंगल पी एस टी, कौन सा पी एस टी पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब जब करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर बनने वाले से है ना, ये से ये दोनों क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं। ठीक, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं होने के कारण दोनों इक्वल हो गए, एंगल पी क्यू आर, और साथ में हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, एंड एंगल पी एस टी इक्वल है एंगल पी आर क्यू, ये कहां से गिवन है, यदि गिवन है तो हम देखते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल्स क्या है, इक्वल है इक्वल। अब दो एंगल इक्वल है तो पी क्यू पी आर के बराबर हो जाएगी साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल, क्या हो गया, ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, देन या चाहे तो लिख लें देन एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, कैसे बाय वन एंड टू, यदि दोनों एंगल यदि बराबर होते हैं तो उनकी साइड का साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। सो पी आर पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पी आर, हैंस प्रूव, यही हमको बताना था कि दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे इसके, तो ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इस तरह, देखो ये सारे क्वेश्चन टू मार्क्स से लाए गए, 100% इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसमें क्या दे रखा है, डायग्राम बना हुआ है और साथ में दे रखा है कि डी किसके पैरेलल है, बीसी के। तो आप जानते हैं कि थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आप देखेंगे इसके वीडियो भी दे रखे, यदि होगा तो मैं इसकी लिंक शेयर आपके साथ उस वीडियो की लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। डी किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होती है, यदि पैरेलल लाइन होती है तो उनके रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी पैरेलल है बीसी के, सो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB किसके इक्वल हो गया, AE अपॉन EC के। बट हमारे डायग्राम में पहले ही दे रखा है AD कितना है, ये 3 है, AE कितना है 1 और इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क, तो इसको क्वेश्चन मार्क को EC ऐसे रहने दो, EC निकालना है जो उन्होंने निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, किसको कैसे निकलेगा, छा गए अब YouTube पे आओगे आप और आपका नाम जाना जाएगा। क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1.5 EC इज इक्वल्स टू 3, EC इक्वल कितना हो जाएगा 3 अपॉन 1.5, पॉइंट हटाया जीरो लगाया, 15 टू जा 30। तो बताइए EC की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। EC कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, इशू की जगह
ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, ऐसा का ऐसे ही क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, वो देखिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम एज इट इज, अभी क्वेश्चन किया उसके जैसे ही है, वही प्रोसेस होगी। ये पैरेलल है तो डी अपन बी सी के इक्वल हो गया। अब बीपीटी यूज करेंगे, एडी अपन डी बी, ए अपन ई सी रख देंगे। एडी की जगह कितना लिखेंगे, अननोन है, बताइए। डी बी क्या है, 7.2। ए कौन है, 1.8। ए सी कितना है, 15। अब पॉइंट से पॉइंट एडी हटा देते हैं और 18 3 जा कितने होते हैं, 54। 18 1 18 18 3 54, और इसका मल्टीप्लाई इधर ये से रह जाएगा, क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 3। 3 से काटो, 3 2 6 और 3 6 3 4 12। वेरी गुड, AD इक्वल 2.4 सेंटीमीटर। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है, अब इसमें बहुत सारा लंबा चौड़ा लिखा हुआ था लेकिन मैंने शॉर्टकट में उसको लिख दिया। इसमें क्या दे रखा है, पहले जो लंबा चौड़ा लिखा है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। ई एंड एफ आर टू पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में ई और एफ दो पॉइंट्स हैं, जो ई पॉइंट है वो पी क्यू पर है और एफ पॉइंट जो है किसके ऊपर है, पी आर के ऊपर दे रखा है, ठीक है। तो और फॉर ईच द फॉलोइंग केसेस इन स्टेट वेदर ई एफ जो है पैरेलल है क्यू आर के, है या नहीं है, इसका स्टेटमेंट आपको देना है, ठीक है। और है तो क्यों है वो भी हम बताएंगे। तो देखिए यदि पैरेलल होगा उसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो हम घूमेंगे कहाँ पर, बीपीटी पर। बीपीटी क्या कहलाती है, कि यदि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का रेशो इक्वल होता है तो वो क्या होते हैं, यदि कोई लाइन पैरेलल होती है तो उनके साइड के रेशो इक्वल होते हैं। अब यदि इसका इनवर्स की बात करें तो क्या, यदि साइड के रेशो इक्वल है तो ट्राइंगल की जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी अदर साइड के। तो हमको ये बताना कि पैरेलल है नहीं, तो कौन सी थ्योरम लगानी पड़ेगी, कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी, मतलब कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम लगानी है आपको। तो क्या करना पड़ेगा, इनके रेशियो देखेंगे, यदि इनके रेशियो दोनों सेम आएंगे तो क्या बोलेंगे, वो पैरेलल है, और यदि दोनों पैरेलल रेशियो सेम नहीं आए तो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है बात। तो क्या निकालना पड़ेगा, सबके पहले हमको बताइए, ठीक है, वी नो दैट फॉर कंडीशन ऑफ किसकी, बीपीटी क्या होगा, ई एफ पैरेलल होना चाहिए किसके, क्यू आर के, इफ इफ क्या, पी अपॉन ई क्यू किसके इक्वल आ जाए, पी एफ अपॉन एफ, ठीक है। अब ये कब होगा, ये कन्वर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, कन्वर्स में होता है, नहीं कन्वर्स में तो रेशियो इक्वल होते हैं तो पैरेलल होता है, यदि पैरेलल है तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करें बताओ, पी की बात करें, पी अपॉन ई क्यू, बताओ पी की वैल्यू कितनी है, 3.9 अपॉन 3, पॉइंट हटाए जीरो लगाए, 3 से डिवाइड करो, 3 1 3 3 3 9 अपॉन 10, ये आ गया। अब इसी तरह से किसको निकाल दें, पी एफ अपॉन एफ आर को निकालो, पी एफ कौन है, 3.6, एफ आर 2.4, पॉइंट पॉइंट हट गया, 2 से डिवाइड करो, 2 1 2 2 8 16 और 2 1 2 2 2 12, फिर डिवाइड कर दो इसको, बोलो 3 6 3 4, फिर डिवाइड कर दो, 2 3 3 2, है ना। तो हमने देखा क्या 13/10 3/2 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं होगा तो क्या होगा, हमने क्या देखा, सो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, पी एफ अपॉन एफ आर के, देन ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, खत्म। अच्छे क्वेश्चन है, मतलब लॉजिकली बात करें तो 2 नंबर के लायक है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि कैसे हमको करना है, ठीक है। देखिए उसी तरह से सेम इट इज ये क्वेश्चन भी दे रखा है, जिसके अंदर क्या दे रखा है आपके पास, डिजिट चेंज है, बाकी चीजें सेम है, ये चीजें हम लोग उसी के अंदर लिखेंगे। अब पी ई कौन है, 0.18
ई क्यू कौन है 1.10, यहाँ कौन है 0.36, यहाँ कौन है 2.20। पॉइंट पॉइंट हट गया, यहाँ का पॉइंट भी हट गया। अब देखो डिवाइड कर सकते हैं क्या इसको, 2 से 9, 2 5 10, दिस 2 से डिवाइड करो 1 और 8, फिर 2 से करेंगे तो 1 1 10, ये तो ऐसे ही बन गया। मतलब इसको फिर डिवाइड कर दो तो 9/55। तो हमने क्या देखा कि यहाँ भी 9/55 और यहाँ भी 9/55, तो दोनों चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या, पी एफ अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन पी ए, सॉरी है ना, एफ ऑन, सो कौन ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर। ओके, थैंक यू वेरी मच।